नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इस लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हर नेता जी जान लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं, साथ में वहाँ पर अपने कराए गए काम को भी गिना रहे हैं। अब देखिए, जनता के बीच पहुँचे हुए थे अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार 12 रैलियां कर चुके हैं, 3 रोड शो भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए नीतीश कुमार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और साथ में वो जी जान लगाए हुए हैं। तीसरे चरण के चुनाव बिहार में 5 सीटों पर होने वाला है। खगड़िया, अररिया, झांझरपुर, सुपौल और मधेपुरा में होने वाला है। 5 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी है, जहां पर नीतीश कुमार खूब जी जान लगाए हुए हैं, वहां की जनता से बातचीत कर रहे हैं, 12 रैलियां कर चुके हैं, 3 रोड शो कर चुके हैं, जिसमें वो हर रैली में जाते हैं तो वो बात करते हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया। अब देखिए, वो अपने द्वारा कराए गए हर काम को जनता के बीच रख रहे हैं कि शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो बात कर रहे हैं कि लड़कियां पहले सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार में लड़कियां सुरक्षित है, वो पढ़ने के लिए कॉलेज और स्कूल जाती हैं, साइकिल हमने दिया। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मिड डे मील भी चल रहा है, तो हम अब बच्चों को खाना भी मिल रहा है, जिस वजह से भी लोग पढ़ने जाते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार अपने द्वारा कराए गए काम को भी गिना रहे, साथ में वो हमलावर भी होते एक तरफ नज़र आ रहे हैं कि जो 2005 के पहले की सरकार थी उसमें लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, राज्य में ही रहती थी और राज्य से बाहर भी नहीं जा पाती थी। तो देखिए क्या कुछ होता है इस लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।